रश्मि देसाई बहुत ही जल्दी जो है शो में नजर आने वाली हैं, और वो भी कलर्स के एक शो में। कौन सा शो है, क्या है, आप कब से देखेंगे, मैं हिना कुमावत आपको सारी डिटेल्स दूंगी। लेकिन अगर आपने फिल्म विंडो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद हर कोई अपने काम में बिजी हो गया। आप देख रहे हैं हर कोई जो है कुछ ना कुछ नया करके नया लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। रश्मि देसाई क्या कर रही हैं? रश्मि देसाई नागिन 4 में एंट्री कर रही हैं। जी हाँ, जैस्मिन भसीन का जो किरदार था, जैस्मिन भसीन का, उस किरदार को रिप्लेस कर रही हैं रश्मि देसाई। नयनतारा बनकर नजर आएंगी नागिन 4 में। नागिन 4 जो है पिछले एक दो हफ्ते से, अगर मैं कहूँ इस हफ्ते की खासकर, TRP जो है अच्छी नहीं आ पाई। नंबर 6 पर रहा नागिन 4, जबकि वो टॉप 3 में हमेशा जगह बनाता रहा है। ऐसे में जो है इस शो की लगातार गिरती हुई TRP को लेकर जो है उनको एक अच्छा और बड़ा नाम चाहिए था, तो रश्मि देसाई इस शो के साथ जुड़ रही हैं। और जो है अगर मैं बात करूं तो जैस्मिन ने अभी अगर अपने इस शो को छोड़ने के बाद जो है अपने फैन से माफ़ी भी मांगी कि वो जो है इस किरदार को बहुत अच्छे से शायद नहीं निभा पाई, उन्होंने जो है डिसअपॉइंट किया। लेकिन उनके किरदार के में क्या टर्न एंड ट्विस्ट होंगे नयनतारा के, रश्मि के? अब रश्मि जैसा बड़ा नाम ला रही हैं तो जाहिर सी बात है कि शो को जो है इंटरेस्टिंग होगा, किरदार इंटरेस्टिंग होगा, तभी जो है रश्मि देसाई इस किरदार को करने के लिए राजी हुई हैं। जैस्मिन और रश्मि दिल से दिल तक में साथ में नजर आई थी, और जो है उस शो में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। अब जैस्मिन को रिप्लेस किया है रश्मि ने, और जब वो लोग वो किरदार साथ में करते थे दिल से दिल तक, तब भी जो है इस तरह की खबरें थी कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। लेकिन रश्मि अब इसमें नयनतारा बनकर आ रही हैं। बृंदा ऑलरेडी, निया शर्मा जो है इस शो में बनी हुई हैं। कैसा होगा किरदार, क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पर जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी, और इस संडे से जो है आप रश्मि देसाई को जो है शो में देख सकेंगे। इसी तरह की खबर है कि इसी संडे के शो में जो है रश्मि आपको दिखाई देंगी। तो देखते हैं कि रश्मि ने अगर ये शो साइन किया है, अगर वो बिग बॉस के बाद ये शो कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ इस किरदार में दिलचस्प ज़रूर होगा जो रश्मि ने साइन किया है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नयनतारा बनकर जो है कैसे आप लोगों का दिल जीतती हैं। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा कि नयनतारा के किरदार के लिए रश्मि कैसी रहेंगी, नागिन बनेंगी, नहीं बनेंगी, क्या होगा, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।